में सर, पढ़ना होता तो मांग लेते ना, तो ये तुम्हारे तकिया का नीचे क्या कर रहा है? हमका क्या पता, आप ही रखी होंगी गलती से। झूठ बोलते हैं, मत उठाइएगा दीदी, पेट से हम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जेठानी से ऐसे बात करती हो, धमकी देती हो? क्या धमकी दी है? हम तो बस याद दिलाए कि हम पेट से हैं। अब तुम याद दिलाओगी हमें अपनी जिम्मेदारी है? मैं नहीं माँ जी। अरे जोन दिन से ई घर में आई हो, रोज नया नया तमाशा करती हो, न कोनो की लिहाज न शर्म। कल की आई छोकरी ने हम सब के नाक में दब करके रखा है। चुप नहीं माँ जी, माँ जी कहाँ थे? नहीं चुड़ैल कहीं नहीं छोड़ दे, कहीं हमारे बारे में हम कैसे निकल कहेंगे? हमारे घर का नाश करके अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो दरवाजा खोलो, कितना देर तक बाहर रहेगी झुमकी? माई आहो, इतना फिकर है ना झुमकी का, तो एक और पल्लू में अपना मुंह छुपाई लो, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ दोबारा आने की कौनो जरूरत नहीं है। का बोल रही है माई? घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? उठाओ अपना सामान और जाओ यहाँ से, द्वार पे तमाशा करे के कौन हो जरूरत नहीं के। हमरे धनु की दुल्हनिया। अरे बड़ा सुंदर दुल्हन पा गई। अरे ओ धुन्नु, इतनी सुंदर परी कहाँ मिल गई तोहरा के? अरे भाग खुल गई तोहार बबुआ। देख ला चाची, हम तो पहले ही कहे थे सबसे सुंदर लड़की लाएंगे भी आई के। बस बस ज्यादा बड़ाई मत करो अपना, देखी अरे सुंदर है ना हमारी बहुरिया। अरे आशीर्वाद देवे में कोनो कंजूसी मत करना। एक तो बात कहें, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे जितना सुंदर हमारे पूरे परिवार में कोनो नहीं है। हे झुमकी, तुमको यहाँ कोनो तकलीफ नहीं होगी, तुम देखना। आप भी हमको बहुत ही अच्छे लागत है। हक अब हम मारेंगे। ए सोनू मारे मारे। हाँ, फिर से रानी हमारी। कहा झुन्नू भैया, फिर रानी पिला दिए तुमको, तो तुम्हारी रानी मिल गई है ना। बहुत बोलते हो धनु, मारा शर्ट कहीं नहीं प्रेस हो रहा है भैया। भुला गए थे। कैसे भुला गए थे? पूरा दिन खेलता रह गया। आई बच्चा निकलो, चला लड़का पूरा दिन खेलेगा। अरे जेठी आप मार कर रहे हैं। तुम चुप करो, तुम काहे बीच में बोल रही हो? ये भाई के आपस की बात है ना। मार खा के थोड़ी ना कोने जिम्मेदार बनता है। ये बच्चा थोड़ी ना रहा है कि आप ऐसे हाथ उठा रहे हैं। देख रहे हो, कल की छोकरी हमसे जमान लगा रही है। हम कोने गलत बात नहीं कर रहे जेठी। अच्छा तो फिर हम वो देख ही लेंगे। धुनवा तनिक ना संभालो अपनी कनिया को, बहुत फड़फड़ा रही।
अरे वाह रे हमरी झुमकी, तुम तो बहुत बहादुर निकली। हमको आज तक कोई नहीं बचाया था और सत्तू भैया तो हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं। अब ठीक है तो कह रहे हैं जेठ जी, अब कौन जिम्मेदारी का काम नहीं करोगे तो इज्जत मिलेगा का? सुनिए ना, आप जेठ जी की तरह काहे नहीं कोनो काम धंधा शुरू करते हैं? ए झुमकी, हमको कौन नौकरी देगा? हम तो कोनो काम भी नहीं सीखे हैं और मैट्रिक भी नहीं पास है। सभी काम सीखना ही तो पड़ता है, अब चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, ऐसा कौन तो काम होगा जिम्मे डिग्री ना ही मांगेंगे। आप कोशिश तो करके देखिए। ई देखिए हमारी झुमकी कालाई है, कालाई हो। अरे चाह ई लीजिए साले साहब, चाह पीजिए। अरे वाह रे, वैसे जीजा जी आपको दुल्हन मिल गया एकदम A1। अरे यहाँ भी लोग यही सोच के हमसे जलते हैं कि हमारी मेहरारू इतनी सुंदर कैसे। सो तो हमारी किस्मत खराब थी कि झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ। अरे ससुर ये रिश्तेदारी निकलाई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है, कहो ना झुमकिया। मुंह देखे अपना वीरू, हमसे ब्याह करने चले, ये हमारा ससुराल है पता है ना, चाय पियो। देखने का शौक है क्या? ए, हम तो माई के कमरे में भी पूछ के जाते हैं ना, बताओ। पर हम काय बुलाएंगे? चुप दे शराब। ये बोला था का? अगर दोबारा ये सब करते देख लिया ना, तो माँ जी को कहकर चूल्हे में झुकवा देंगे। पर हम काय नहीं किए। चलो। झुमकी। आग बंद करो। काहे? पहले बंद तो करो। अरे करो ना। ठीक है कर लिए। का हुआ? आ करो। हाँ, मिठाई? मुंह मीठा करो। कौन खुशखबरी है का? हाँ खुशखबरी ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर का नौकरी पक्का हो गया। हाँ सच्ची? अब हम ऐसे कूद नहीं सकते ना। काहे? काहे कि हमका भी आपको कौन खुशखबरी देना था। सच्ची? अरे वाह, मतलब हमारे आंगन में भी क्या क्या करने वाला आ रहा है? हाँ? अरे झुमकी 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 बाबू है, क्या कर रहा हूँ? हमारा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, आपको नौकरी भी लग गई। झुमकी खाओ ना। क्या सुन रही? झुमके बोलोगी? क्या सुन रही थी? तुम्हारा भाई है ना दुन्नू, वो जाएगा बैग उठाए नौकरी पर, और वो झुमकी यहाँ बैठेगी घर पर पेट फुलाए। क्या सच कह रहे हैं? ये झुमकी तो राजधानी से भी तेज निकली। अरे ब्याह हुआ नहीं कि पेट से है। अरे वाह रे दुन्नू, ये तो हमसे भी तेज निकला, जी खुश कर दिया हमारा। वाह, तुम्हारा जी खुश हो गया और हमारा यहाँ दिल जल रहा है। अरे न जाने किसका बाप हमारे धन्नू के गले बांध रही है, इतने तो यार है उसके। तुम औरत लोग के दिमाग में भी ना हमेशा उल्टा सीधा उपजता रहता है। हम तुम्हारा खेल समझ गए हैं झुमकी, हमसे ही पहले माँ बनकर हमारे ही घर में जगह लेना चाहती हो ना हमारी। हम तुम्हारी इस प्रेम कथा को बाप कथा बनाकर माँ जी के ऐसे कान भरेंगे ना, वो खुद ही तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। हम तुम्हारी जिंदगी नर्क ना बना देना तो हम एक बाप की बेटी नहीं। हालांकि झुमकी हर मामले में अपने पति धुन्नू से ज्यादा लायक थी, लेकिन फिर भी उसने कभी धुन्नू को अपने आप से कम नहीं समझा और अपनी सूझबूझ और प्यार से उसने धुन्नू को एक लापरवाह और बेकार लड़के से एक जिम्मेदार आदमी बना दिया।
धुन्नू की जिंदगी को सुधार कर झुमकी ने अपनी नियति तो बदल ली थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे झुमकी की जिंदगी में ऐसी तबाही मचने वाली थी जिसकी कल्पना उसने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। वो हम आपके बगल में ही रहते हैं, आप लोग नए आए हो का? प्रणाम, आइए ना, आइए। बैठे बैठे, हम पानी लेके आ। अरे रहने दो, कोई बात नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? हमरा सातवां महीना। और हमरा ब्याह का आठवां महीना। ये हमारे पति हैं। प्रणाम। प्रणाम। ए झुमकी, हमको देरी हो रहा है तो हम जा रहे हैं। सुनो, ज्यादा भारी वजन मत उठाना और ज्यादा काम मत करना। सुनो ना, हमको लौटने में 2-3 दिन हो जाएगा, तो कुछ जरूरत हो तो हमको पीसीओ से फोन कर लेना। ठीक है, चलते हैं। सुनिए ना। हाँ? वो हम का कह रहे थे, हम कुछ दिन सुल्तानगंज हो आए का अपने नैयर से। अरे तो ये मैं पूछे वाला कौन सा बात है, चले जाओ। हम भी सुल्तानगंज ही जा रहे हैं, तो साथ ही चलते हैं का? हाँ भाभी, ये तो और अच्छा रहेगा, आप रहेंगी तो थोड़ा देखभाल हो जाएगा। हम जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रणाम। बैठे ना। बैठो ना। एक को रिक्शा नहीं मिल रहा यहाँ। झुमकी, ए झुमकी, दीदी मुझे और नहीं जाना चाहता। बैठो, बैठो, बैठ झुमकी। झुमकी, अरे रोको रोको भैया रोको। सरोज दीदी देखो ना इसे। अरे कहाँ हुआ इसको? रुको बिटिया। अरे एक डिलीवरी करना होगा, कर ले चलते। नहीं कोई रिक्शा, इतना टाइम नहीं है, डिलीवरी यही करना होगा। चलो चलो, तने खाता हूँ, सारे ताने सब लो, चलो चलो। घबरा मत, बस, लेट जा। धीरज जरा बाबूनी, धीरज जरा। हाँ, जोर लगा बेटा, जोर लगा बाबूनी। हाँ, शाबाश। ये देखो बबनी, तुम्हार बिटवा बहुत कमजोर है, इसको संभालना पड़ेगा। छ 0-1। हेलो, हाँ दुन्नू जी से बात हो सकती है का? हाँ करवा दीजिए। हेलो। हाँ झुमकी। सुनिए जी, आपका बेटा हुआ है। कहा बेटा हुआ है? बेटा हुआ है हमको। ए झुमकी, हम घर आ रहे हैं मैनेजर साहब से छुट्टी लेके। हाँ आइए। का बोले? आ रहे हैं। आ रहे हैं तुम्हारे पापा। नहीं तो इतना बोरे हम कहाँ ले जाएंगे? तुम्हारे पति नहीं आए का? नहीं दीदी, पति नहीं आई, और हमारा बुआ पता नहीं कहाँ चला गया। कौन ले गया अपने बुआ को? बुआ चला गया? कहीं तुम्हारे वो ससुराल वाले तो नहीं आए?
रिपोर्ट दोगी का? कहे एलू हा? हमको माफ कर दो, हमने बच्चे हमको वापस दे दो माँ जी। ये देखो माँ जी, चोर नहीं आई हम पे चोरी का इल्जाम लगाने। माँ जी हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको हमको वापस दे दो, मर जाएंगे उनके बिना, हमको बच्चे वापस। कहीं और जाके खोजा अपन बच्चा। अरे हम कहे शरण देंगे उनको? अरे क्या लगता है वो हमरा? चल भाग यहाँ से। खो गया है साहब। आपका नाम? गीता साहब। बच्चे क्या लगते हैं आप? साहब हम तो पड़ोस में रहते हैं, उनकी माँ की हालत बहुत खराब है, यही लिए हम आए हैं। अच्छा बच्चे की उम्र, उसका नाम, कोई फोटो लाएंगे आप? बहुत ही छोटा बच्चा है साहब, चुन्नू नाम रखी है वो, फोटो तो नहीं है साहब, जल्दी करिए ना साहब, कहीं अनहोनी ना हो जाए। बच्चे का बाप कहाँ है? वो तो भागलपुर में रहता है, वही काम करता है वो। और बाकी लोग? साहब ससुराल वाले ने तो घर से बाहर निकाल दिया है, 7 महीना बच्चा पेट में था तब। मैके वाले सुल्तानगंज में रहते हैं, लेकिन उनको बताया नहीं साहब। आते हैं। क्या हुआ यादव? सर एक छोटे से बच्चे की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अभी अभी फोन आया था, पुराने मंदिर के पास एक छोटा बच्चा मिला, कहीं वही तो नहीं? आप चिंता मत करो, साहब को खबर दिया हूँ, वो आते ही होंगे, फिर आपसे बातें करेंगे। लो आगे आइए सब, आइए सब, आइए, अब लो हट जाओ, हट जाओ, दूर हटो सब। बच्चा देखिए, यही बच्चा है? यही है बच्चा साहब, दाहिने पैर पे तिल है साहब, जन्म से ही तिल है साहब, यही है झुमकी का बच्चा साहब। इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के गया? किसी ने देखा उसे? साहब लोग यहाँ बच्चे को लेके आते हैं नजर उतारने के लिए, लेकिन पहले नाम लिखाता है फिर तैयारी शुरू होती है। आज सुबह मैंने देखा अचानक एक आदमी ऊपर चढ़ गया, मैंने बोला रुको 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 कौन है कौन है, लेकिन उसने बच्चा को नीचे फेंक दिया और मैंने पकड़ लिया साहब। अगर नीचे गिर जाता तो बच्चा बचता नहीं साहब। कौन था वो आदमी, आपने देखा? साहब देखा तो जरूर था, लेकिन पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि शॉल से उसने अपना मुंह असर ढक रखा था। इसका मतलब कि नजर उतारने की प्रथा की आड़ में कोई बच्चे को मारना चाहता था। आइए सर। ए झुमकी, ए झुमकी, ए झुमकी, रुकिए रुकिए, हाथ मत लगाइए। साहब देखिए ना साहब, अस्पताल ले चलते। कोई फायदा नहीं, जी लेगी साहब, चलिए ना। ये मर चुकी है। यादव एम्बुलेंस बुलाओ। सर तुम दोनों अंदर की तलाशी लो। ए झुमकी,
क्या किया तुमने झुमकी? झुमकी ए उठना झुमकी, देख जिन्नू आया है झुमकी, जिन्नू। ये धुनु यहाँ कब से नहीं आया? जिस दिन चुन्नू पैदा हुआ था उस दिन फोन किया था, अगले दिन ही आने वाला था साहब, पर नहीं आया साहब, उसका फोन भी बंद है साहब। उसके ऑफिस का नंबर? वहाँ पे भी फोन किया साहब, पर वो वहाँ पे भी नहीं है। इस बच्चे को कौन किडनैप कर सकता है? किसी पर शक है आपको? साहब शायद उसके ससुराल वाले ले गए हो, वो लोग झुमकी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे साहब, उनको शायद बच्चा चाहिए होगा साहब। कल रात को उसका जेट सत्तू आया था साहब, हम घबरा कर देखने आए तो सत्तू चला गया साहब। अरे बस कर अपना नाटक, निकल जाइए अब यहाँ से जेट जी, हम तो घर से तो निकाल दे, और क्या चाहिए हमसे? क्या हुआ? ए झुमकी, झुमकी बहुत रो रही थी साहब, पर उसने कुछ नहीं बताया साहब। यादव, इनसे धुनु का नंबर लो, ये धुनु और झुमकी के ससुराल वालों की कुंडी निकालते हैं। झुमकी जैसी आत्मसम्मान वाली लड़की जो दूसरों को प्रेरित करती थी, जिंदगी जीने की राह दिखाती थी, वो खुद जिंदगी से हार कैसे मान सकती थी? झुमकी ने कम उम्र में ही मुश्किल हालात देखे थे और बड़ी हिम्मत से उनका सामना भी किया था, तो क्या अपने नवजात शिशु के अपहरण के सदमे ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया था? या झुमकी की मौत एक आत्महत्या नहीं थी, या फिर उसके अतीत में कुछ ऐसे राज थे जो उसकी मौत की वजह बन सकते थे? सर धुनु पिछले दो दिनों से काम पे नहीं आया, जबकि उसकी छुट्टी भी मंजूर नहीं हुई थी, उसका फोन भी खराब है और उसके मैनेजर को भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है, कहीं वो काम छोड़ के चला तो नहीं गया? मतलब धुनु भागलपुर से निकला तो अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? आपकी बहू झुमकी ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। कुछ हो करे, हमसे कोनो मतलब नहीं। सुबह उसके बच्चे को उठा के ले गया था, वो यहाँ पूछने के लिए आई थी, हाँ या ना? हाँ आई थी। देखिए बच्चा तो सही सलामत मिल गया है, आपको अंदाजा है कि उस बच्चे को किसने किडनैप किया होगा? नहीं, हमको कोई अंदाजा नहीं। धुनु का है? जब से वो मेरारू के साथ ही घर छोड़कर गया है, हमसे मिलने कबो नहीं आया। छोड़ के गया है या घर से निकाल दिए गए? देखिए साहब, वो लड़की एकदम में गलत रही, जौन दिन से घर में आई रही, हमरे धुनु को हमरे खिलाफ भड़काती रही, वो तो था ही नालायक, शादी के बाद एकदम जोर का गुलाम बन गया, अब नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह लाकर अपने मेरारू को दे दिया। बताइए, हमारा बड़का बेटा सत्तो आज भी पैसा लाकर हमरे हाथ में देता है। देखिए ये कौन है? ये सत्तो के मेहरारू है, माला। सत्तो कहाँ है? साहब वो तो काम पर गए हैं। कल रात को वो कहाँ गया था? वो सब कोर्ट कचहरी का काम रहता है ना, तो कल रात देर से ही आए थे। काम पर नहीं गया था वो, झुमकी से मिलने के लिए गया था, पता है आप लोगों को? उस चुड़ैल से काहे मिलने जाएंगे साहब, वही बड़ी बच्चन औरत थी, बेशरम, हमारे पति पर डोरे डालती थी अपने ही जेठ पर, और तुम झुमकी का कमरा में क्या कर रहे हो? हमसे क्या पूछ रहे हो? यही बुलाई हमको यहाँ पे। पर हम काहे बुलाएंगे? तुम बेशरम। बहुत ही तिरिया चरित्र वाली औरत थी साहब, और का ढेरों प्रेमी था उसका, एक तो बेशर्मों की तरह ससुराल में मिलने चला आता था, और तो और गोना भी वही करा के दिया, बताइए। तो हमार किस्मत खराब थी कि झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ। अरे ससुर, ये रिश्तेदारी निकलाई कहीं से? नहीं तो झुमकिया तुम्हार बचपन की फ्रेंड है। नाम क्या है इस लड़के का? बीरू। यादव, इस बीरू को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। और आपके पति सत्तू जब घर वापस आएंगे तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेजिएगा। सर, सत्तो का कैरेक्टर काफी खराब लगता है। हाँ, पर ससुराल वालों का कहना है कि झुमकी का कैरेक्टर खराब। सर, हो सकता है उसका अफेयर होने की शक की वजह से ही उसके ससुराल वालों ने झुमकी को मार डाला हो और फिर उसके बच्चे को मारने की कोशिश की हो, ऑनर किलिंग जैसा। हो सकता है यादव, ये झुमकी का मरना और धुनु का गायब होना दोनों साथ साथ, हो सकता है यादव कि धुनु को किसी और ने मार दिया, इसीलिए वो आज तक घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद।
कुछ पता नहीं, लेकिन तलाश अभी भी जारी। सर, सत्तो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, हमने अपने खबरें उसके पीछे लगा दी हैं। और सर, ये झुमकी के माँ बाप बच्चे की कस्टडी लेने आए। बैठिए। सब झुमकी हमसे मिलने आने वाली थी, हम तो उसकी राह देख रहे थे साहब, ये सब क्या हो गया? आप लोगों को धुन्नू की कोई खबर है? नहीं साहब, कोई खबर नहीं है, और ना ही उसका कोई फोन आया हमको साहब। वीरू, क्या करते हो तुम? कुश्ती, पहलवान है। झुमकी को ससुराल से निकाले जाने के बाद उससे मिलने गए थे? नहीं। झुमकी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता? गहरा रिश्ता था। मतलब? देखो, जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दो, वरना झुमकी के खून के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर देंगे। कहाँ जाना है आपको? शादी करना चाहते थे तुम झुमकी के साथ? हाँ चाहते थे, पर हमें पता था हमारी शादी नहीं होगी उससे। उस लंगूर धुन्नू से शादी करवा के मामा मामी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा लंबर धुन्धुन पति और राजा जैसे उसके ससुराल वाले, अगर वहां शादी ना करवाए होते तो आज झुमकी जिंदा होती। तो झुमकी के ससुराल से निकलने के बाद उसे मिलने क्यों नहीं गए? कहे जाते शादी के बाद धुन्नू धुन्नू मेरा फर्ज मेरा पति, बस यो बात करती रहती थी वो, दोस्तों की कोनो जरूरत ना थी उसको। और शादी से पहले? शादी के पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी थी। एक बात बताओ, झुमकी के साथ तुम्हारा शारीरिक रिश्ता था? आप सब लोग कितने गंदे विचार वाले हैं। चुप, बैठ। हम अपने नहीं तुम्हारे गंदे विचारों के बारे में पूछ रहे हैं, बोल। साहब, हम अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघे थे, बचपन की दोस्ती थी हमारी, भरोसा था। एक बात बता, जिस दिन झुमकी की मौत हुई उस दिन और उससे पहली रात कहां था तू? रोहतक गए थे दंगल के लिए, कल ही वापिस आए हैं। ठीक है, अब जा। नमस्ते। यादव, इस सरफेरे पे नजर रखनी पड़ेगी। ऐसा 3-4 बार हो चुका है, कोई तो है जो हमारा नाती के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे चुराना चाहता है साहब, पता नहीं क्या करना चाहता है साहब। यादव, एक काम करो, एक कांस्टेबल इनके घर पर नजर रखने के लिए लगा दो। सर, देखिए, हम अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन आप लोग भी चौकन्ने रहिएगा, बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, ठीक है? हाँ सर। जाइए आप। ठीक है सर। यादव, हो सकता है जो ये बच्चा चुराने की फिर से कोशिश कर रहा है वो झुमकी की मौत से भी जुड़ा हुआ है, कोई एक कड़ी है जो हमें नजर नहीं आ रही, बस वो कड़ी मिल जाए। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, ब्लड और विसरा के सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स की बहुत अधिक मात्रा मिली है, जहर खाने के 10 मिनट के अंदर ही मौत हो गई थी, रिपोर्ट से ऐसा पता चला है कि लड्डू फोर्सफुली खिलाए गए थे। ठीक है डॉक्टर साहब। यादव, झुमकी की मौत लड्डुओं में मिले पेस्टिसाइड की वजह से हुई है, जाहिर है ये उसके घर में नहीं था, इसका मतलब किसी ने जानबूझ के लड्डुओं में इतना पेस्टिसाइड मिलाया कि झुमकी की तुरंत मौत हो गई। मतलब ये मर्डर ही है? बिल्कुल। जो औरत अपने बच्चे के बगैर एक पल नहीं रह सकती, वो उसे बेसहारा छोड़कर कैसे मर सकती है? अच्छा, ये लड्डू कहाँ से खरीदे गए पता चला? सर, ये सदर बाजार की एक मिठाई की दुकान से है, ये दुकान बड़ी फेमस है। पता करो किसने खरीदे ये लड्डू, धुन्नू, सत्तो या बीरू। ठीक है, ओके, हम आते हैं।
ये मेरा बाबू। ओले ले 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 ले। ओले ले ले। भाई रुक जाओ दोनों। कहाँ थे इतने दिन? बड़ी खोज खबर हो रही थी तुम्हारी। साहब, कुछ लोग हमको जान से मारने का कोशिश किए। हम तो बेहोश पड़े थे, पता ना कहाँ और कितना दिन। जैसे ही होश आया, बचते बचाते यहाँ आए हैं। हमारा हालत देख लीजिए। बच्चा होने के बाद तुम झुमकी से भी नहीं मिलने आए और अपने घर भी नहीं गए? अब खबर सुनते ही हम सबसे पहले घर के लिए ही निकले थे, पर रास्ते में ही हम पे हमला हो गया। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। नजर रखो इस पे। सर तो सत्तू है, यादव चेक करो। सर मर चुका है। कुमार एम्बुलेंस बुलाओ, सारा एरिया छान मारो, हो सकता है कुछ सुराग मिले। जी सर। आपने इसके चीखने की आवाज सुनी? नहीं सर। यादव। क्या सर? झुमकी की मौत, सत्तो की मौत और बच्चे को किडनैप करने की कोशिश, इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन। अरे सुनिए, इनमें से किसी को देखे हैं क्या यहाँ? देखे हैं क्या? हाँ साहब, इसको देखें। कहाँ? ये हमारे दुकान पर आया था। कभी? सीधे सीधे सब कुछ सच सच बता दे, क्यों मारा झुमकी को? देख, तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं, तुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। बोल, क्यों मारा झुमकी को? तुम नहीं मारे हैं साहब, हम काहे मारेंगे? इसलिए कि तुझे लगा बीरू के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं और वो बच्चा उनका नाजायज बच्चा है, इसलिए। तेरी बीवी थी ना वो, भरोसा नहीं था तुझे उस पर, इसीलिए मार दिया ना तूने उसे। बोल। अब हम झुमकी से बहुत प्यार करते थे, पत्नी थी हमारी, पर हम सत्तो भैया के बहकावे में आ गए थे। सत्तो भैया हमसे बोले, अरे धुन्नू। सत्तो भैया, भैया प्रणाम, आप यहाँ कैसे? हम घर ही आ रहे थे। भैया खुशखबरी है, झुमकी को बेटा हुआ है, पता आपको? पता है हमको, तुम इधर आओ। तुमको कुछ समझ में भी आता है कि पूरा ही बुड़बक हो तुम? कहा हुआ भैया, कौन बात हुआ है का? वो लड़की सातवें महीना में बच्चा कैसे पैदा कर दी? बच्चा पैदा करने में तो 9 महीना लगता है ना। मतलब? मतलब वो तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी तो 8 महीना पहले हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ऐसा ही हुआ है, वो औरत तुमको उल्लू बना रही है और अपने प्रेमी का बच्चा जनी है। शादी से पहले और शादी के बाद कितने प्रेमी रहे उसके। और वो बिरुआ, बिरुआ याद है ना तुमको, कितना घर आता जाता था। झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ, अरे ससुर ये रिश्तेदारी निकलाई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है। फकीर भैया, हमार झुमकिया ऐसा नहीं कर सकती है। तो कैसा कर सकती है ना, खुद ही जाके देख और देख लेना कि औलाद का चेहरा किससे मिलता है। और बच्चे को भी तूने चुराया था ना? नहीं, सत्तो भैया ने बच्चे को चुराया था।
सत्तो भैया ने ही हमारे बच्चे को फेंका था। झुमकी को कब मारा तूने? जब सत्तो भैया हमारे बच्चे को प्रथा के नाम पे मारने के लिए मंदिर ले गए थे, उसी वक्त हम मौका पाके घर में घुस गए। कहाँ रह गया हम इतने दिन? हमारा बबुआ पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे प्रेमी का बबुआ। क्या कह रहे हैं आप? सब तो पहले ही समझ गए थे, बस हम ही को समझने में थोड़ा टाइम लगा। आप भी अपने घर वाले जैसे ही निकले ना, सबका जहर आपके दिमाग में घुस गया। जहर तो तुम घोली हो हमारे जीवन में। और तुमको क्या लगता है झुमकी, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं? तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी का बबुआ हुआ है। मीठा करो। वो औरत तुमको उल्लू बना रहे और अपने प्रेमी का बच्चा जनी है। झुमकी को जहर देने के बाद हमको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ करें कहाँ जाएं। हम कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे साहब। और एक दिन अरे भाई इसी बस स्टॉप के पास उस बेचारी औरत का बच्चा पैदा हुआ था। सतमसवा स्वास्थ्य केंद्र की दाई ने उसका डिलीवरी भी किया था, वही जो जहर खा के मर गई। जाने का होगा अब उसके बचवा का, पता नहीं राम ही जाने। सतमसुआ के बारे में हम पहले कभी नहीं सुने थे साहब। हम उस भाई को खोजते खोजते एक दिन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हाँ कभी कभी बच्चा 7 महीने में भी पैदा हो जाता है। जब जच्चा को कोनो तकलीफ या परेशानी होता है तब ऐसा होता है। जल्दी पैदा होने की वजह से ऐसा बच्चा बहुत कमजोर होता है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद। हमका भी आपको कौन खुशखबरी देना था। सच्ची? अरे वाह, मतलब हमारे आंगन में भी क्या क्या करने वाला आ रहा है। हाँ अरे झुमकी 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 झुमकी। तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी का बबुआ हुआ है। मीठा करो। हमको लगा साहब हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। सत्तो भैया के बहकावे में आके हम अपने झुमकी पर शक किए। साहब जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की उसको कैसे छोड़ देते हम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुमको पता नहीं है पुलिस तुम्हारे पीछे है। भाग जाओ यहाँ से भाई, भाग जाओ। कहे हमको पट्टी पढ़ाए? ठीक तो किए तुम्हारा पीछा छूटा। काटे किए हमारा झुमकी का जान चला गया और ठीक किए। पुलिस तुम्हारे पीछे है, कुछ दिन गायब भी है और मौका मिलते ही ना जो बच्चा बीच में है ना छिपकली जैसा उसको भी खत्म कर। छिपकली जैसा बच्चा नहीं है वो, हमारा और हमारी झुमकी का बबुआ है। और मारेंगे तो हम जरूर, मारेंगे तो हम जरूर, तुम जान तो हम लेंगे। हमको पट्टी पढ़ाए, हमारा मेरा हमसे छीन लिए, हमारे भाई देते भाई होते ऐसा। साहब हम सत्तो भैया को उनके करने का सजा दे दिए हैं। अब हम अपना बबुआ को लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इस सब झंझट झमेला से बहुत दूर।
वहां हम उसका पालन पोषण करेंगे। हमने अपने बबुआ से उसका अम्मा छीनने का पाप किया है तो प्रायश्चित भी तो वही करेंगे। अपने पापों का प्रायश्चित अब जेल में जाकर करना, और रही बात तुम्हारे बच्चे की, वो अपने नाना नानी के साथ में सुरक्षित है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले धुन्नू ने झुमकी से खुलकर बात करना तक जरूरी नहीं समझा। जिस रिश्ते को झुमकी ने मजबूत बनाया था, धुन्नू ने उस रिश्ते को जड़ से उखाड़ फेंका। पर क्या इसकी वजह ज्ञान की कमी थी? धुन्नू ने ना सिर्फ शक किया बल्कि सच जानने की भी कोशिश नहीं की, और जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं, पर शायद एक इलाज है, और वो है यकीन, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। रिश्तों की मिठास में शक के जहर को किसी भी कीमत पर ना घुलने दें। खुलकर बात करें और अपने जीवन को इस शक के जहर से दूर रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.